और ऑनलाइन शॉपिंग करना किसने पसंद नहीं है, और लेकिन किस कीमत पर? वक्त और थोड़े से पैसे बचाने की आदत आपका तगड़ा नुकसान करवा सकती है, इसलिए विंडो शॉपिंग करते वक्त आपको बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। किसी भी फ्रॉड से बचने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में ऑनलाइन शॉपिंग का चलन बढ़ता जा रहा है। बस एक क्लिक पर जरूरत का हर सामान आपके घर या दफ्तर तक पहुंच जाता है। न बाजार जाने की जरूरत, न कैश का झंझट, लेकिन इस आसानी के साथ परेशानी का खतरा भी जुड़ा है। अगर सावधानी ना बरती गई तो ऑनलाइन शॉपिंग का शौक भारी भी पड़ सकता है। ऐसा होता है फर्जी ई कॉमर्स साइट्स और साइबर फ्रॉड की वजह से। इससे ना सिर्फ घटिया सामान मिलता है बल्कि हजारों रुपए का चूना भी लग सकता है। ऐसे में बहुत सावधान रहने की जरूरत है। किसी भी वेबसाइट या ऐप से खरीदारी करते वक्त उसकी विश्वसनीयता की जांच परख जरूर कर लें। इसके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि हमेशा भरोसेमंद ई कॉमर्स साइट से ही सामान खरीदें। अपने कार्ड की डिटेल्स ई कॉमर्स साइट पर सेव ना करें। आप कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं उसकी रेटिंग और रिव्यू जरूर चेक करें। प्रोडक्ट की रिटर्न पॉलिसी भी चेक करना जरूरी है। डिलीवरी से लेकर पैकेट खोलने तक का पूरा वीडियो बनाएं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने वाले लिंक से खरीदारी ना करें। भारी डिस्काउंट के लालच में पड़कर साइबर क्रिमिनल्स के जाल में ना फंसें। ये ध्यान रखें कि आपके पास जो इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है, जो आपने प्ले स्टोर से या गूगल स्टोर से या एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया है, उन्हीं एप्लीकेशंस पे ट्रस्ट करें और उन्हीं के थ्रू शॉपिंग करें। किसी लिंक पे ट्रस्ट ना करें अगर आप उसके बारे में कम समझते हैं तो। अक्सर ऐसा होता है जब आप अपने मोबाइल पर किसी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं तो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उनके ऐड आने लगते हैं, और इन्हीं में से कुछ लिंक पर लुभावने ऑफर या भारी डिस्काउंट मिल रहा होता है। ऐसे लिंक से दूर रहें क्योंकि साइबर ठग आपका अकाउंट खाली कर सकते हैं। साथ ही अनजान साइट से शॉपिंग करने से गलत सामान होने पर रिटर्न या क्लेम भी करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ना तो इनका कोई हेल्पलाइन नंबर होता है और ना ही कोई विश्वसनीय रिटर्न पॉलिसी। अगर किसी कारणवश ऑनलाइन खरीदारी के दौरान आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो आप कुछ अहम कदम उठा सकते हैं। सबसे पहले ई कॉमर्स वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें। सरकारी पोर्टल कंज्यूमर हेल्पलाइन .gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1915 या 1800-11400 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा 8800-00-1915 पर SMS भी कर सकते हैं। साइबर अपराध होने पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अगर किसी के साथ में फ्रॉड हो जाए तो सबसे पहले तो 1930 हेल्पलाइन नंबर है, जो साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उस हेल्पलाइन नंबर पर बात करके सलाह ले सकते हैं। और कई बार लाइंस बिजी होती हैं तो उसके चलते डायरेक्टली ये भी कर सकते हैं कि नंबर पर कॉल करना अवॉइड करके cybercrime.gov.in, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम की वेबसाइट है, यहाँ पर ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हैं। याद रखें कि सावधानी ही बचाव है। ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान सतर्क रहें और खुद को साइबर फ्रॉड से सुरक्षित रखें। टीम न्यूज़ नेशन।